हमें मेरा बयान नहीं आपको सत्य पर आधारित बयान है, सुन लीजिए, हम सत्य का आधार दिए हैं, दबाव दिए हैं, प्रमाणित कार्यकर्ता का नाम दिए हैं, संजय झा जी उनके सामने मेरे विरोध में बात हुई है, कौन विरोध किया है जो मेरा रिजोजना जोता है, कौन है तो जिला का सचिव है, प्रमाणित कर रहा है, वो नगर जिला के अध्यक्ष को कहा है चुनाव लड़ेंगे, अब क्या चाहते हैं, अजय बाबू को मुख्यमंत्री जी सर्टिफिकेट देके कहा है सबसे प्यारा सबसे अच्छा विधायक नकारा, विधायक का आपकी किससे है, किसी से नहीं है, तो फिर आगे हम बताना चाह बैकफुट बैटिंग कर रहे हैं, फ्रंट फुट पे कर रहे हैं, ये क्लियर कीजिए, कोनो फुट पर बैटिंग नहीं कर रहे, नेता को हम अपना दिशा निर्देश जानना चाह रहे थे, हम बता दिए कि सर हम आपके साथ हैं, आपके पार्टी के साथ हैं, आपके साथ रहे हैं, मजबूती से रहेंगे, आप ईमानदार नेता हैं, आपका पांव पकड़ दे के भी रहना पड़ेगा, माफी मांग के रहना पड़ेगा, रहेंगे, हमको विश्वास है आगे आप ही के पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी जो एक्शन लेगी वो मानेंगे, अगर पार्टी अगर नहीं देगी तो फिर क्या करेंगे, जो पार्टी का उम्मीदवार होगा उसको प्रणाम करके क्षेत्र में प्रचार करेंगे, जिंदाबाद करेंगे, ये हाँ ये बात हुई कि अगर मान लीजिए चुनाव होगा नजायज खर्च होगा, इतना ही जल्दबाजी है इस्तीफा का, विधानसभा का अध्यक्ष को क्यों नहीं दिए, अगर मान लीजिए बिना चुनाव का कोई टेक्निकली कोई अगर वकील से राय कर ले सुप्रीम कोर्ट के वकील से कि विधायक हस्तांतरित हो सकता है 2 साल के लिए, तो अध्यक्ष जी को अजय जी को हम लिखित में ट्रांसफर कर देंगे पर 2 साल के लिए, आगे मान लेंगे पार्टी का निर्णय, ये हम कहे थे अगर पार्टी अगर गंभीरता से लेती है और उनका इच्छा है कि जल्दी इस्तीफा विधानसभा सदस्य क्या कम है, जल्दी इस्तीफा वोट होगा तो जनता का पैसा का नुकसान होगा, आप ही लोग कह रहे थे ना, इस्तीफा की बात खत्म हो गया, आप किस बात का जल्दी है भाई, अध्यक्ष जी का बयान आ गया वो भी संतुष्ट हम भी संतुष्ट, आप इतनी इस्तीफा मांग रहे हैं तो जल्दी है विधायकी का, तो विधायक अगर ट्रांसफर करने का कोई सिस्टम हो तो लिख के दे देते हैं, 1 साल सुनील भारती जी को बना दीजिए, 1 साल अजय बाबू को बना दीजिए, दोनों का मन खुश, हम भी खुश, पार्टी भी खुश, जय जदयू, जय नीतीश कुमार, जय बिहार, सब खुश, तो पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी से बगावत नहीं करेंगे, नेता के साथ है, नेता के निर्णय के साथ है, गलती करेंगे तो माफी भी मांगेंगे, पांव पकड़ लेंगे, कैसा माफी की बात करते हैं, पांव पकड़ के माफी वाला वो अथी नहीं, दहंगली वाला पांव पकड़ के माफी वाला थूक फेंक के चटने वाला, अब तो हम मनोज बाबू घबरा जाते हैं, आपके सामने फेंक के चटेंगे, नेता का अपमान हम कर देंगे, ये संभव है, नेता भगवान स्वरूप होता है, क्या बोलवाना चाहते हैं, जीवन में जवान कट जाएगा नेता के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये बताइए ये धमकी का डर है क्या, देखिए आप लोग गलत फहमी में है, धमकी उमकी का डर रहता तब मेरा वकील देख लिए थे, ये पार्टी से प्रेम है, नेता से प्रेम है, अच्छा टुकार को सावधान कर रहे हैं, नेता और मेरे बीच में जो चाटुकारिता का संबंध बिगाड़ने का काम किया है, सतर्क हो जाइए, पार्टी और नेता का संबंध बना रहेगा और हम इससे पीछे नहीं हटने वाले, नेता के सेवा में लगे, नेता तो जिलाध्यक्ष भी है, संबंध तो बिगड़ चुका है, इसका आभास आपको भी लग चुका है कि आपके ही नहीं आप सुधर जाएगा, आपके ही इलाका से आपके ही मंच से जो है आपको नहीं बोलने दिया गया और उम्मीदवार गलत दिया गया, पहला दूसरा कि जब आप उसका आवाज उठाए उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहे अपनी बात रखना चाहे तो मुख्यमंत्री स्वयं आपको डांट मिलाए और उसके बाद आप माफी मांगने को तैयार, वो भी पाप पकड़ेगा तो क्या मानते आप बैकफुट पे यूटर्न ले लिए या फिर नहीं नहीं नेता का बस्ती है, नेता का इज्जत करना कोई बैकफुट पर नहीं होना होता, आपको नहीं नहीं नेता को सब सारा जानकारी हो गया कि कामी जी कोई पार्टी उटी नहीं छोड़ने वाले हैं, पार्टी के साथ है, इतना ही आज के प्रेस से जानकारी देना चाहते हैं, हम पार्टी उटी नहीं छोड़ेंगे और प्रतिबद्ध कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे, गलत फहमी है, अगर हमको है तो हम भी दूर कर लेंगे और नेता को है तो नेता को हम पैर पकड़ के माफी मांगेंगे कि हमारा भी गलत फहमी दूर कर लीजिए, हम कहीं जाने होने वाले नहीं है, आखिर सवाल ये आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्या चीज देख लिए हैं अजय जी ने कि वो उनको उम्मीदवार मान जो कि बागी विधायक बागी रूप से चुनाव भी लड़ चुके, ऐसा क्या खास बात दिखा, आप लोग गलत समझते हैं सर, उमा बाबू का इस पार्टी पर जितना बड़ा उपकार है सर,
अजय बाबू का सम्मान किए हैं तो कोई गलत थोड़ी किए हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में हुआ था, कुछ ज्यादा प्रशंसा हो गया और एक तरह से हमको इशारा कर रहे थे, कितना इशारा नहीं समझेंगे, अगर लाचारी है नाराजगी है, ये लोग मेरे खिलाफ कान भर दिए थे। अब नेता को मेरा बात गया है, फिर पत्र लिख के बताएंगे सर कि कान पकड़ के उठा बैठी कर लेंगे, थूक फेंक के चाटेंगे मेरा गलती हुआ तब, इससे ज्यादा पनिशमेंट क्या होगा राजनीति में, सो बताइए। तो ये भी सूचना आ रही है कि 23 तारीख के बाद आपको यहाँ से जो किक आउट कर दिया जाएगा, क्या करेंगे? तो भैया कि जो आउट होगा तो मेरे बस की चीज है, वो हम कर लेंगे, नेता का मर्जी है, अपना निर्णय बता सकते हैं, हम क्या कहें, अगर गलती होगी तो पाँव पकड़ के माफी मांगेंगे, कान पकड़ के उठा बैठी करेंगे। ये बताइए कि जदयू इसका मतलब अंतर कलह से जूझ रही है, बिल्कुल नहीं जूझ रही है, लोकतांत्रिक संगठन है, यही पार्टी में बात रखने का मौका मिलता है, और जगह तो सीधे आउट कर दिया जाता है। हाँ, वो तो मीडिया के माध्यम से आपको आप तो रखे तो कोई सुना भी नहीं, नहीं चुनाव प्रचार में नेता व्यस्त थे, अब बात रखना जरूरी था, चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, गठबंधन निभाना था, नेता पर आप दोष नहीं दे सकते हैं, अब हमको जल्दबाजी में बात रखना है, उनको हमारा जल्दबाजी से तो नहीं दिखाना पड़ेगा सर, सुबह से शाम तक हेलीकॉप्टर में प्रचार करते हैं, मेरा चिट्ठी पढ़ते रहेंगे क्या, मेरा बात चला जाए चुनाव में हम काम करें, इसलिए तो आपका सहारा लिए थे, तब ना बीजेपी और जदयू के नेता हमको दरभंगा 100 लोकसभा में लगाए थे, क्या आप ही लोग माध्यम न बने, नेता तो चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, तो आप ही ने लगाया कि मोदी का तारीफ किए इसलिए मेरे नेता नाराज हो गया, जो नहीं, फिर आप गलत आरोप, पूरा नहीं देखे, आपको समझाया नहीं गया था कि मंच पर कुछ और बोलना है, मंच के पीछे कुछ और बोलना है, ये किसकी भी आप ही का आरोप है, पूरा पाठ आप नहीं देखे, हम तो स्वयं लिए हैं, मेरा नहीं आप ने लिए, हमारा नेता नहीं देखे, पूरा पाठ देखते तो सारा बात समझ में आ जाता, पूरा पाठ में है कि 20 में नीतीश जी 243 विधायक का मुख्यमंत्री बनेंगे, सहयोग इनका प्रचार ज्यादा होते था, इनका सहयोग भी चाहिए, ये बात यही देखा जाए कि आप पार्टी से नाराज नहीं है, बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं है, रत्ती राय बराबर नहीं है, सुई बराबर नहीं है, पार्टी का आदेश सड़कों पर, आला कमान के धमकी का असर तो नहीं कि आप 2 साल का टर्म रहते हुए भी आप विधायकी ट्रांसफर करने को तैयार? नहीं नहीं, ये हुआ किसी का उत्सुकता का इज्जत करना, ये नेता का वो नहीं, उत्सुकता का इज्जत करना, पार्टी कार्यकर्ता शौक है इस्तीफा जल्दी दे हम बने, हम चाहते हैं 6 महीना कुछ आपस में बांट के खुश हो जाए। तो आज इतना ज्यादा बैकफुट पे नजर आ रहे हैं रामी जी, क्या ये धमकी का असर है? अगर नेता धमकी भी दे, वो धमकी देना उनका स्वभाव नहीं है, और हम लिखे भी थे वो धमकी देना उनका स्वभाव नहीं है, अब गुस्सा बस किस कारण से शब्द का ऐसा इस्तेमाल हुआ उसको क्या कहते हैं, समय का भूल कह सकते हैं। मेरा सवाल है, मेरा कॉन्सेप्ट साफ कर दीजिए, मालूम हुआ था कि आप इसके खिलाफ में जो है लीगल सलाह ले रहा है और कानून का भी दावा खटखटाने को तैयार है, कितनी सच्चाई है किस बात के लिए, इस पूरे मतलब पार्टी के क्या मतलब है नहीं है। आज हम जो है धन्यवाद देते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, तो 2 बार हमसे बात करके मेरी बात को गंभीरता से लिए, ये तो कंफ्यूजन नहीं आ रहा, हम तो आप प्रेस व्रेस भी नहीं करेंगे, सोशल मीडिया भी लिखना बंद कर देंगे, हाँ सीधा आप साफ बात कहते हैं, जब हमका कंफ्यूजन पैदा करेगा तो नेता 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 किस बात में खुश रहेंगे। एक आखिरी सवाल ये है, थोड़ा सा घटनाक्रम को देखा जाए तो इससे पहले लोटता आप नाराज हो गए कि वहाँ पे मेरी इज्जत नहीं की जा रही है, दरभंगा शहर में इज्जत नहीं किया जा रहा मेरा, गलत बात का इस्तेमाल नहीं करें, हम किसी का नाम नहीं लिया था, न पार्टी का नाम लिया था, जीतने वाला पार्टी कभी सिटिंग विधायक को इग्नोर नहीं कर सकता, दरभंगा में देखे थे कि भाजपा कैसे उपयोग किया, मेरा सदुपयोग किया, वहाँ नहीं कर सका इसकी जानकारी दिए थे, अब छोटा छोटा बात पर हमको इतना अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस आप नहीं थे। चलिए आप बता दीजिए फाइनली चुनाव कहाँ से लड़िएगा? फाइनली अमरनाथ गांधी नेता जो चाहेंगे वही करेंगे, हायर हाल से सुरक्षित मान रहे हैं, हर हाल में
हम हर जगह सुरक्षित है, जानकारी दे दे, हम हर जगह सुरक्षित है। वहाँ मेरा वोट नहीं था, वहाँ दो बार चुनाव जीत गए। हमको दूसरा जिला में भी चुनाव लड़ाएंगे तब चुनाव जीत के आएंगे। पार्टी का सिंबल का वोट होता है, अपना 5% वोट का इधर उधर हो सकता है। तो 2019 हाँ।